रहे हैं चितकुल, और चितकुल अभी हमें पहुंचने में टाइम लगेगा 10 घंटे, 10.5 घंटे। हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्पीति का पूरा सर्किट। हम जाएंगे शिमला की साइड से जाके मनाली की साइड से वापिस आएंगे। तो अभी हम ऑफिशियली हिमाचल एंटर हो चुके हैं 3:30 बजे। वहाँ से सनराइज हो रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है सनराइज सुबह सुबह शिमला। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, अभी बात करते हैं। ठीक है भाई, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका मेन रीज़न यही था कि अभी हम जा रहे हैं एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ये रोड ट्रिप करनी है लगभग 1-2 साल से। तो फाइनली आज दिन आ ही गया काफ़ी टाइम के बाद। तो आज हम जा रहे हैं हिमाचल की साइड ही जा रहे हैं। तो गाइज इस लॉन्ग ट्रिप रोड ट्रिप पे मैं और मेरा कज़न जा रहे हैं। हमारी गाड़ी तो इस टाइम पूरी फुल है, आप देख सकते हो कि पीछे डिक्की में जो है वो सब ऊपर पड़ा है, इसलिए हमने सामान नहीं रखा, तो सीटों पर ही सामान रखा हुआ है। और काफ़ी सामान है 3-4 दिनों का, यही रीज़न था कि हम दोनों ही जा रहे हैं। बाकी मेन रीज़न ये भी किसी के पल्ले नहीं है बड़ा हरामी हो गाय। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से आगे हम जाएंगे शिमले, और उसके आगे आपको अगले ब्लॉग्स में सब पता लगता रहेगा। शिमले तो आपके पता ही किया नारकंडा। हम घर से डिनर करके चले थे, और अभी रास्ते में चाय वगैरह ही पियेंगे जब थोड़ी थोड़ी नींद आएगी। 2-3 बजे के बाद देखेंगे जब नींद आएगी, अभी तो ऐसे ही चल रहे हैं। घर से डिनर कर लिया, रुकना नहीं है ज़्यादा, और कल दोपहर तक हमें पहुँचना है चितकुल। तो वहीं पे स्टे होगा हमारा चितकुल में कल दोपहर को। तो हम देखेंगे कितने बजे तक चितकुल पहुँचते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है उन रास्तों पर। अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे जो चंडीगढ़ से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे फास्टैग हमें मिला। इससे पहले हमने 2 टोल प्लाजा पे रुके थे, वहाँ पे कैश पेमेंट थी, लेकिन यहाँ पे फास्टैग है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास खुले पैसे हैं भी नहीं कि हम टोल प्लाजा पे 50-50 दें। भाई फास्टैग तो ज़्यादा नाम तोड़ते मित्रा। भाई अभी टाइम हो रखा है 1:30 बजने वाला है, और अभी हम रोपड़ से थोड़ा सा पीछे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हवेली रुकें जाके, थोड़ा सा जैसे चाय वगैरह पी लेंगे और मुंह हाथ धो लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नींद तो नहीं आएगी 5-6 बजे से पहले। हमें गाइस नींद नहीं आती। अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से अभी हम जा रहे हैं पंचकुला की साइड। आप देख सकते हो कि हम जा रहे हैं चितकुल, और चितकुल अभी हमें पहुंचने में टाइम लगेगा 10 घंटे, 10.5 घंटे, तो लगभग हम 12 घंटे लेके चलेंगे। तो 350 किलोमीटर चितकुल यहाँ से है। तो आप देख सकते हो कि अभी टाइम हो रखा है 2:40, और अभी हम जा रहे हैं शिमला, जो हाईवे जाता है सोलन शिमला हाईवे, वहाँ पे हाईवे पे हम कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे। होप वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह ढाबे वगैरह हमें मिल जाएंगे खाने पीने की। तो अभी तक हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है, तो थोड़ी सी देर में लेते हैं ब्रेक, ड्राइवर अच्छा है तो ब्रेक लिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि अभी 2:40 हो रुके हैं रात के, और कितना ट्रैफिक है यहाँ पर, और ये बस जो है तंग कर रही है बार बार हिमाचल की। कब से यही गाड़ी चला रहा है, तो ये मुझे गाड़ी चलाने नहीं दे रहा। मेरा भी मन कर रहा है प्लेन हाईवे पे गाड़ी चलाने को, मजा आ रहा है गाड़ी चला के। तो वैसे आजकल नाइट ड्राइव अच्छी रहती है, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो एसी के बिना नहीं चलता। अभी हमने एसी बीच बीच में चला लेते हैं, बीच बीच में बंद कर देते हैं, और जरूरत वैसे नहीं है, पर बाहर थोड़ी गर्म हवा इसी वजह से हमने थोड़ा थोड़ा एसी चला रखा है। जब हम शिमले की रोड पे पड़ जाएंगे, थोड़ा आगे चले जाएंगे, तो वैसे भी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कि शिमला कितने बजे तक पहुँचते हैं। आई थिंक 6 बजे या 7 बजे, 6:30 तक शिमला पहुंच जाएंगे। यहाँ से 3.5 घंटे का ही रास्ता है, तो काफ़ी
लंबा हमारा टूर प्लान है। तो हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्पीति का पूरा सर्किट। हम जाएंगे शिमला की साइड से जाके मनाली की साइड से वापस आएंगे। तो देखते हैं कि मनाली का रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड है, चंद्रताल जहाँ पे जाती है तो ऑफ रोड है। तो देखेंगे कि हमारी गाड़ी कैसे जाएगी, किसी ना किसी लेके जाएंगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे इसका। तो अभी तो हमारा फर्स्ट डे है तो फास्टैग लगने का यही एक कि आपका टाइम बहुत सेव होता है, और आपके पास अगर खुले पैसे नहीं होते तो फास्टैग ये बहुत अच्छी चीज़ की है गवर्नमेंट ने। तो गाइस अभी पी रहे हैं चाय, और ये खड़ी है हमारी गाड़ी, और ये जो हाईवे है सीधा जाता है शिमला। तो गाइस अभी हमें शिमला हाईवे पे, और अभी हमने फर्स्ट ब्रेक लिया है अपना, तो चाय पी रहे हैं। तो इसके बाद हम ब्रेक लेंगे शिमला के बाद, तो चाय एंजॉय करते हैं। और उसके बाद अभी मैं ड्राइव करने वाला हूँ, एक दो घंटे मैं ड्राइव करूँगा शिमला पहुँच के, इसको ड्राइव करेगा ये। जब से हम घर से तुरे हैं मैंने ड्राइव नहीं करा, मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव करने वाला हूँ, और ये शिमला सोलन शिमला हाईवे पे करूँगा ड्राइव। देखते हैं कितने किलोमीटर तक चलते हैं लगातार, और फिर मिलते हैं आपसे। अभी थोड़ी टाइम में दो घंटे बाद दिन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा व्यू, सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू पहाड़ों में कितना अच्छा लगता है ये। हमने एंटर कर लिया हिमाचल का टोल प्लाजा जो 40 रुपये का होता है, और आप सामने देख सकते हो कि अभी रात है तो पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई हैं, लाइट्स थोड़ी थोड़ी हाईवे पे। तो बीम मैं हाई बीम कर लेता हूँ। तो अभी हम ऑफिशियली हिमाचल एंटर हो चुके हैं 3:30 बजे। यहाँ से शिमला जो है वो है 85 किलोमीटर्स, और सुबह होती है तो मिलते हैं आपसे। तो वैस अभी टाइम हो रखा है 5:15 बज गए हैं सुबह के, और हो चुकी है अभी तक सनराइज नहीं हुआ है। तो हमारा जो प्लान था, हमने सोचा था कि कुफरी में जाके सनराइज़ देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा वहाँ से व्यू देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि हमारे वहाँ पहुँचने तक सनराइज़ हो जाएगा या नहीं होगा, ये तो किस्मत में है। अभी शिमला रह गया 15 किलोमीटर, जा रहे हैं हम शिमला पहुँच के, फिर आपसे मिलते हैं। सनराइज हो रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है सनराइज सुबह सुबह शिमला। और मैं ड्राइविंग सीट से अभी इधर आ गया हूँ, तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि गाड़ी चपकी ले लूँ थोड़ी सी, तो फिर उसके बाद फिर मैं चला लूँगा। अभी टाइम हो रखा है 6:20, और हम पहुँच चुके हैं कुफरी, और इसके बाद हम जाएंगे नारकंडा। तो देखेंगे नारकंडा से आगे रामपुर तक नॉन स्टॉप चलेंगे, और उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे।